तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर आ रही है, पीएम की अपील। 5 अप्रैल की रात 9 बजे देशवासियों से चाहिए उनके 9 मिनट। जी हां दोस्तों, हमारा देश कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पिछले 9 दिनों से लॉकडाउन में है। 21 दिनों का यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक लागू रहेगा। इसी बीच 2 अप्रैल की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 3 अप्रैल की सुबह 9 बजे देश को वीडियो के जरिए संबोधित करेंगे। 3 अप्रैल को उन्होंने अपने संदेश में देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से अंधकार को प्रकाश की ताकत से हराने की आवश्यकता है। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 अप्रैल की रात 9 बजे सभी लोग घर की सभी लाइटें बंद करेंगे और चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे यहां कहा जाता है, उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, सह उत्साह लोकेशु न किंचित अपि दुर्लभम, यानी हमारे उत्साह, हमारी आत्मा से बड़ी ताकत दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में देशवासियों से कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से कहा कि इस रविवार 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। उन्होंने देशवासियों से रविवार की रात के 9 मिनट मांगे हैं। पीएम ने देशवासियों से कहा कि अपने घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट की मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं और उस समय घर की सभी लाइटें बंद कर दें। उन्होंने साथ ही देशवासियों से निवेदन करते हुए कहा कि मेरी एक और प्रार्थना है कि इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है, रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है, अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे करना है। तबलीगी जमात में शामिल होने की तलाश में पहुंची पुलिस पर पथराव, रवीना टंडन को आया गुस्सा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर इस समय लोग दहशत में हैं। इस वायरस से संक्रमित होने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है, इसे रोकने के लिए देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। बीते सोमवार को अचानक तेलंगाना से आई एक खबर से हड़कंप मच गया, वहां 6 लोगों की मौत हो गई। पड़ताल में पता चला कि ये सभी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित मरकज में आयोजित तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में करीब 2000 लोगों ने हिस्सा लिया था। यहां से लोगों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। बुधवार को तबलीगी जमात में शामिल लोगों की जांच के लिए जब बिहार के मधुबनी में अंदराठाड़ी स्थित मस्जिद में पुलिस पहुंची तो वहां लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। इस घटना पर बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने गुस्सा जाहिर किया है। पथराव की इस घटना पर रवीना टंडन ने हैरानी जताते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, पथराव क्यों? क्या यह उन्होंने यह अपनी भलाई के लिए किया है? रवीना टंडन के इस ट्वीट पर अब लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। झांझरपुर के डीएसपी अमृत शरण ने बताया कि जब तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों की जांच के लिए पुलिस मस्जिद में पहुंची तो उन पर पथराव शुरू हो गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रवीना टंडन सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। तबलीगी जमात की लापरवाही पर आया नुसरत जहां का बयान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार ने पूरे भारत में लॉकडाउन लागू कर रखा है। ऐसे में किसी को भी बेवजह अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं है। सरकार की सख्ती के बाद भी बीते दिनों दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में 1800 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, इनमें 281 विदेशी भी शामिल थे। ऐसे में देश के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में कई फिल्मी सितारे भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, साथ ही इस तरह एक साथ लोगों के इकट्ठा होने पर आलोचना भी कर रहे हैं। अब इस मामले में बंगाली सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नुसरत जहां ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभिनेत्री से नेता बनी नुसरत जहां ने हाल ही में मीडिया से बात की और मरकज में इकट्ठा हुए लोगों की आलोचना भी की, साथ ही उन्होंने इस तरह के आयोजन न करने और लोगों से घर में रहने की अपील की। नुसरत जहां ने कहा, मैं सबसे हाथ जोड़कर कहूंगी कि हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं उस समय हमें राजनीतिक, धार्मिक और जातियों से जुड़ी बातों को बंद कर देना चाहिए। अफवाह फैलाने से ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने घरों में क्वारंटीन रहें। हमें इस समय सतर्कता बरतनी है। कोई भी बीमारी धर्म ऊंच नीच देखकर अटैक नहीं करती। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आपको इस खतरनाक वायरस को समझना चाहिए। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों पर पथराव से नाराज हुई अनुष्का शर्मा। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस भारत में भी अपना कहर बरपा रहा है। देश में अब तक 2070 संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस जानलेवा वायरस से 53 लोगों की जान भी चली गई है। इस डर के माहौल में भी कुछ लोग हैं जो जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक घटना बुधवार को मध्य प्रदेश में हुई जहां जांच करने पहुंचे डॉक्टर्स पर पथराव किया गया। दरअसल इंदौर के ताटपट्टी बाखल इलाके में कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज के संपर्क में आए लोगों को ढूंढने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम पहुंची थी, लेकिन वहां कुछ लोगों ने इन पर अचानक पथराव
शुरू कर दिया। पथराव में दो महिला डॉक्टरों के पैर में चोट आई। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी में अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपदा एक्ट 2005 के तहत होगी कार्रवाई, सीएम योगी के सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार कोरोना केयर कोष का गठन करने जा रही है। इस कोष का उपयोग मेडिकल कॉलेजों में कोरोना संबंधी उपचार की व्यवस्था को बेहतर करने, टेस्टिंग किट, पीपीई किट, वेंटिलेटर, क्वारंटीन व आइसोलेशन वार्ड, टेली मेडिसिन के लिए किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खोलने की कार्य योजना बनाई जा रही है। अमेरिका में 24 घंटे में 1170 की मौत, दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख के पार। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। इस वायरस से मृतकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दूसरी बार निगेटिव आई है। वहीं अमेरिका में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1170 मौत हो चुकी है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में अब तक 52,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।